तो अभी हम लोग पहुँचे हैं भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव से करीब 4 किलोमीटर दूर तुरसा बागान में, जो हमारे जयगांव क्षेत्र से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है। तो इस जगह एक स्कूल है। इस स्कूल को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि ये एक सरकारी स्कूल है और इसके जो स्कूल के जो हेडमास्टर है तो वो सर ने इस स्कूल को इस तरह से सजाया है कि मानो मतलब ये सरकारी स्कूल ना होते हुए एक प्राइवेट स्कूल है। और इसका मकसद क्या है सर, क्यों इस स्कूल को इतना मतलब लगन से सजा रहे हैं, क्यों इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, इस ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए और कुछ जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए। हम लोग बात करेंगे इसी विषय को लेकर लव कुमार बुजेल जो स्कूल के हेड सर, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपको स्कूल का थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहते हैं कि देखिए स्कूल कितने सुंदर ढंग से, स्कूल को ये सिर्फ बाहर से ही नहीं इसके अंदर से भी स्कूल को काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है। आपको कार्टून कैरेक्टर से लेकर के स्कूल में फूल वगैरह से लेकर पार्ट्स ऑफ बॉडी जनवरी फरवरी, उसके बाद में हम लोग का जो 1 to 100 अल्फ़ाबेट, ये सभी मतलब इतना सुंदर ढंग से सजाया गया है। बच्चे मतलब स्कूल में आने के बाद खुद ही खुद खेलते खेलते पढ़ाई सीख जाए, उस तरह का उद्देश्य से इस स्कूल को सजाया जा रहा है। तो इस क्रम में हम लोग बात करेंगे स्कूल के हेडमास्टर श्री लव कुमार भुजेल सर से। सर के बारे में हम एक बात और बताना चाहेंगे, सर हमारे दिव्यांग है, दिव्यांग होने के बावजूद सर दूसरे दिव्यांगों को भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे सर अभी जो स्कूल का जो ये भी एक प्रेरणादायक है कि एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट से ज़्यादा सुंदर बनाने का जो सर का एक उद्देश्य है, कैसे कहाँ से मिला हम लोग सर से जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आज हम लोग जो आपके स्कूल के तरफ आए, आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आप स्कूल को एक सुंदर ढंग से आप सजा रहे हैं कार्टून हिसाब से, क्या उद्देश्य सर और कैसे ये उद्देश्य है? ये विशेषकर अभी जो लॉकडाउन के दौरान बच्चे सब पढ़ाई से जो इंटरेस्ट हट चुका है, तो हम लोग चाहते हैं जब स्कूल खुले बच्चे सब ये सब को देखकर स्कूल में और आना पसंद करे और इसी दृश्य को देखकर कुछ सीख सके, तो पढ़ाई में फिर पहले की तरह इंटरेस्ट आ सके, इसी उद्देश्य से हम लोग ये स्कूल को सजाने में लगे हुए हैं। सर ये जो कॉन्सेप्ट है सर, जो स्कूल को कार्टून के हिसाब से सजाने का, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? मैंने कुछ स्कूल को देखा था तो उसी को देखकर भी मुझे इंस्पायर हुआ, तो इसलिए हम लोग स्कूल को उस सजा रहे हैं। तो सर इसमें आप खासियत क्या है, मतलब बच्चे आएंगे तो किस हिसाब से बच्चे आकर्षित होंगे इसमें, स्कूल में क्या ऐसे बनाए हुए हैं आप? इस स्कूल में एटलीस्ट हम लोग चाहते हैं कि कुछ बच्चे इतने गरीब हैं कि बाहरों में जाकर चिड़ियाघरों में एनिमल सबको नहीं देख पाते हैं, तो उस एनिमल को टीवी में नहीं बल्कि अपने स्कूल के बाउंड्री वाल में, स्कूल वाल में देख पाने से लोग खुशी हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं जिसको किताबों में ना देखकर वो लोग वाल में देखेंगे तो जल्दी उन लोग को कलर कंसेप्ट द्वारा, चित्र कंसेप्ट द्वारा जल्दी याद हो सके, ज्ञान आ सके, इसीलिए हम लोग इसी कंसेप्ट के आधार पर इसको बना रहे हैं। सर ये जो स्कूल में हम लोग देख पा रहे हैं कलर्स के साथ आप कुछ एक्टिविटीज़ लाइब्रेरी वगैरह बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है 1 से 5 तक है, तो बच्चे में लाइब्रेरी का जो एक, अभी तो फिलहाल प्राइवेट स्कूल में भी बंद हो गया, आजकल बच्चे ज़्यादा लाइब्रेरी के प्रति नहीं, तो आप ये क्यों ये कॉन्सेप्ट को फिर वापस ला रहे हैं सर? अच्छा, लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ने की आदत सिखाने के लिए, खास करके बहुत सारी किताबें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, तो बच्चों सबको पढ़ने की आदत एक रूटीन बना के हम लोग लाइब्रेरी में ले जाते थे लॉकडाउन के आगे, तो क्लासरूम जैसे और लाइब्रेरी में चले जाते थे, वो पुस्तकों को ढूंढ ढूंढ कर, ड्राइंग पुस्तक हुआ, एनिमल्स का पुस्तक हुआ, जीके का पुस्तक, वो लोग को पढ़ने का आदत डालने के लिए हम लोग उस लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाते हैं।
ये इस स्कूल में अधिकांश बच्चे कहाँ से आते हैं और किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं सर? यहाँ ये तुषा चाय बगान के चारों तरफ हाटकोला, मंगलाबारी, खोखला, तो ये चारों तरफ से बच्चे आते हैं। अधिकांश लोग गरीब बच्चे होते हैं। हम लोग उन लोगों के लिए और एक सोच रहे हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा क्लास फाइव के बच्चों के लिए कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था भी हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि ये गरीब बच्चे कंप्यूटर सीख सकें, क्योंकि अधिकांश बच्चे कंप्यूटर बिना सीखे ही वो लोग बड़े हो जाते हैं, बाद में जाके कंप्यूटर नहीं सीख पाते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास फाइव के बच्चों को हम लोग कंप्यूटर सिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, जैसे बहुत सारे स्कूल में हम देखते हैं कि स्कूल में जाने के बाद स्कूल का स्थिति बिल्कुल बदहाल हो चुका होता है, आप इतने सुंदर कॉन्सेप्ट से, मतलब ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसा मिल रहा है कि किस तरह से सर इसको ये आप कर रहे हैं? ये एक्चुअली गवर्नमेंट तो देती है हम लोग स्कूल के लिए मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन उन पैसे से सब कुछ काम नहीं हो सकता था, तो थोड़ा अपने पॉकेट से भी और कुछ मेंटेनेंस फंड से भी लगाकर ये सब काम हो रहा है। पहले तो गेट नहीं था, अभी गेट भी बन चुका है, अभी ये सब चीज़ हो रहा है। ये संपूर्ण स्कूल फंड से नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ अपने पॉकेट से भी मैं इसको लगाया हूँ। सर, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये देख करके बच्चे स्कूल खुलने के बाद आएंगे? 100% बच्चे लोग अभी भी पूछते हैं कब स्कूल खुलेगा सर, कब स्कूल खुलेगा। तो हम लोग बोलते हैं खुलेगा, जैसे ही ये कोरोना का दौर चला जाएगा तब स्कूल खुलेगा। तो बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हैं स्कूल आने के लिए। जब ये फ़ोटो सब उन्होंने की देखा था तो एक दो बार घूमने के लिए भी आए थे वो लोग, बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छी तरह देख रहे थे बच्चे लोग। सर, जैसे आप एक प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं, तो आप दूसरे स्कूल को क्या बताएं, क्या सजेशन देंगे? मतलब हाँ, मेरे जितने भी दोस्त टीचर हैं उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। यदि हम लोग टीचर लोग चाहें तो हमारे स्कूल को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल से अपेक्षा टैलेंटेड और ट्रेन पाए हुए टीचर सब हैं। यदि हम लोग चाहें तो यदि मैं सब टीचर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग अपने स्कूल को कुछ प्राइवेट स्कूल तो कर रहे हैं, लेकिन जो उन टीचर को बोलना चाहता हूँ कुछ समय देकर, कुछ अपने क्रिएटिविटी से स्कूल को सजाकर, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ करें, क्योंकि ये बच्चे लोग हम लोग पर आश्रित हैं। ये गरीब बच्चे लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? तो हम लोग टीचर ही उन लोग का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग उन लोग को कुछ सिखा सकते हैं। तो हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ हुआ। तो बाकी टीचर सब, मेरे दोस्त को मैं थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग भी कुछ कीजिए ताकि बच्चे लोग स्कूल में आएँ लॉकडाउन के बाद और कुछ सीखकर कुछ अच्छे व्यक्ति बन सके। धन्यवाद। अभी हम लोग बात कर रहे थे लव कुमार भुजेल सर से। सर हमारे तुरसा चाय बागान में ही रहते हैं और यहाँ रहते हुए वो इस स्कूल तुरसा प्राइमरी स्कूल के हेड सर भी हैं। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं पीछे फ़ोटो, एक बार फिर दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये पूरा स्कूल का सराउंडिंग है, अभी कार्य चल रहा है, हम लोग कार्य के गति में ही अभी पहुँचे हुए हैं। हमें जब इस स्कूल के बारे में पता चला कि स्कूल में बच्चों के लिए कुछ अनोखा किया जा रहा है, तो उस जानकारी के बाद हम लोग स्कूल में पहुँचे हुए और हम यहाँ का जब हम नज़ारा देखें तो हम लोग भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल, जो मतलब बच्चे स्कूल पढ़ने से जाने से थोड़ा घबराते हैं, आज इस तरह से एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चे अपने आप स्कूल आए। तो हम दूसरे स्कूल को भी इनके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप भी स्कूल, सरकारी स्कूल को इस तरह से बनाएं कि बच्चे जो पढ़ने जा रहे हो, बच्चे एक्साइटेड होकर के स्कूल पढ़ने आएँ। धन्यवाद।